हेलो रून, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता है कि यूपी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बार कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इस बार की काउंसलिंग है बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई होने वाली है। इवन की 350 नंबर वाले बच्चे को भी यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, अभी आगे आपको क्या करना है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके मार्क्स जो हैं 350 नंबर से कम है और आप सोच रहे हैं कि आपको सेकेंड राउंड यूपी में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितने यूपी है, एक सबसे बड़ी स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं और फर्स्ट राउंड में यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो 100% होते हैं। सेकेंड राउंड तक जाते जाते या तो सीट नहीं बचती हैं, और बचती भी हैं तो उनकी कट ऑफ और ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन बताऊंगा कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आप कैसे MBBS डॉक्टर इस बार बन सकते हैं। ठीक है, कुछ और अदर ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को अगर अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को पहली बार देखते हैं सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमसे मिलना है, ठीक है, ऑफिस है हमारा, आप आ सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको अपनी टैब की इसमें ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपके पास अदर ऑप्शन है जो आप, अगर यूपी में आपको नहीं मिल पा रहा है कॉलेज, तो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइप की इसमें देख सकते हैं। देखो, आपको पता है कि इस बार जो है 350 नंबर प्लस की कट ऑफ यहाँ पर यूपी में गई है और इससे जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अभी करना क्या है आपके पास, देखो दो तीन ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, या तो आप अपना बजट बढ़ाएंगे। ठीक है, अब वो कितना बढ़ सकता है, तो आपका देखो बजट अगर बढ़ाएंगे तो आपका NRI कोटा और आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। ठीक है, मान के चलिए मिनिमम आपका 85 से 90 लाख रुपए यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और मैनेजमेंट कोटा की बात करी जाए तो इससे ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकता है। वही आपका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब्रॉड में आपको पता है कि आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो आपको इस बार से लागू हो गया है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम इंडिया में देंगे या चाहे बाहर से देंगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इस तरीके का आप एक पॉजिटिव में ले सकते हो कि आपको 2 साल का जो है एक एक्सपोजर मिलेगा दोनों कंट्री का, तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, इवन कि इंडिया में 5.5 साल की डिग्री है, होते होते आपका 6 साल तक रह जाती है, बट वहीं अगर बात करें अब्रॉड की तो आपको 5.5 साल में डिग्री अलॉट कर देते हैं, डिफरेंस आपके केवल 6 महीने का आता है। इवन यहाँ पर आपका जो पैकेज स्टार्ट होता है 20 से 25 लाख में आप MBBS कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात अब जस्ट क्वालिफाइड वाले मार्क्स वाले बच्चों की, तो क्या कर सकते हैं, तो देखो जस्ट क्वालिफाइड के लिए आप मान के चलो, ठीक है, उनका बजट आपका कम से कम जो है 90 से 95 लाख यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इंडिया के अंदर। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हमें यहीं चाहिए, यूपी में ही चाहिए, इधर चाहिए उधर चाहिए, तो देखो तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं। जहाँ पर तुम्हारा मार्क्स है, जहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लीजिए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि इस बार जो कॉलेज हैं बहुत ही मुश्किल से अलॉट होने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, चलो आपको ड्रॉप कर लेते हैं। तो देखो ड्रॉप अगर आप करोगे, और लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि कई सारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, पर कुछ भी रीज़न की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती, पेपर अच्छा नहीं आता है, कट ऑफ हाई चली जाती है, तो फिर आप यहाँ पर रिग्रेट करोगे। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा बजट बढ़ाकर अपना यहाँ पर ले सकते हो एडमिशन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी किस कॉलेज में आपका हो जाएगा, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस जस्ट क्वालिफाइड पे, चाहे आपके राजस्थान के हों, चाहे आपके यूपी के हों, बिहार के हैं, तमिलनाडु के, पांडुचेरी के, बंगलौर के, वेस्ट बंगाल के, कितने भी हमारे पास ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटी के, वो हम आपका एडमिशन करवा के देंगे। अगर आपको लेना है 100% श्योर है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके अच्छे से अच्छे कॉलेजेस हैं कम से कम बजट में हम आपका करवा कर एडमिशन देंगे। ठीक है, लोकेशन की बात करी जाए तो हमारा जो ऑफिस है वो आपका दिल्ली में है, बंगलोर में है, महाराष्ट्र में है, भोपाल में है, तो आप आकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप आएँ तो हमें एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दें 8532059749 पर। ठीक है, और जो भी आपको क्वेरी है एडमिशन रिलेटेड आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। देखो आपको मैंने केवल हिंट दिया है, करना आपको डिसाइड खुद ही है। ठीक है, क्योंकि आपके पास केवल यही ऑप्शन बचते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चाहे अगर आप अब्रॉड भी ले लोगे तब भी हम आपका एडमिशन करवा के दे देंगे, पर बशर्ते आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप 1 साल तक टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके फिर तैयारी कर लेंगे, तो आपको पता है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही आपकी डिग्री आपको मिल पाएगी, तो वो आप 1 साल यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी डिग्री लेने में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वारी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।